हेलो दोस्तों, कैपेसिटी में आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग लेकर आए नई कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है, होंडा कार इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है। तो फिर से दोस्तों होंडा कार कंपनी जा रही है कैंपस प्लस वन लगाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों। मैं दोस्तों एक बात बता देता हूँ दोस्तों, इसमें मारुति सुजुकी के बाद दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सैलरी दिया जाता है वो होंडा कार कंपनी देती है दोस्तों। जो मारुति सुजुकी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी जो सैलरी दिया जा रहा है दोस्तों, काठकोट के जो हैंड सैलरी आपको मिलता है वो 26,000 रुपया दिया जाता है दोस्तों। और इसमें जो आपको काठकोट के हैंड सैलरी दिया जाता है इसमें 24,250 रुपया दोस्तों दिया जाता है। तो ये सेकंड जो कंपनी है दोस्तों जो आईटी वालों को सबसे ज़्यादा सैलरी अभी दिया जा रहा है। और दोस्तों इसमें ऑल पास आउट स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। आप किसी भी अगर पास किए हैं दोस्तों आईटी, कोई दिक्कत नहीं, आप इस कैंपस प्लस में भाग लेकर दोस्तों जॉब पा सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, इसमें दोनों कर सकते हैं आप इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, और अगर पहले आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो इसमें FTC के तहत दोस्तों आप इसमें जॉब कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दोनों कंडीशन है, दोनों में से जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मेरा सलाह माने तो दोस्तों जो स्टूडेंट अप्रेंटिस नहीं किया वो अप्रेंटिस पहले कर लीजिएगा, ताकि फिर से आपको दोबारा जो है दोस्तों FTC के तहत आपको यहाँ पे नौकरी करने का मौका मिलेगा दोस्तों। FTC का मतलब आपको क्या होता है, आप ये सोच रहे हैं, ये फिक्स टाइम टर्म होता है दोस्तों, जिसमें आपको 2 साल के लिए लिया जाता है दोस्तों, और जो अप्रेंटिस होता है वो 1 साल आपको करवाई जाती है। कुल मिलाकर आप इसमें 3 साल जॉब कर सकते हैं जो अप्रेंटिस नहीं किए हैं वो, और जो अप्रेंटिस कर चुके हैं वो अभी इसमें 2 साल जॉब कर सकते हैं दोस्तों। 2 साल जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 24,250 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा आपको अभी इसमें सैलरी दिया जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कोई पासिंग ईयर भी नहीं दिया गया, तो आप जाके इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों और इसमें क्या चाहिए चाहिए सारा कुछ दोस्तों, मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऊपर डिटेल्स में बताने वाला दोस्तों, कि दोस्तों क्या एज लिमिट रखा गया अप्रेंटिस के लिए, FTC के लिए क्या एज लिमिट रखा गया, कौन कौन से ट्रेड भाग ले सकते हैं, कब कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही, कहाँ लगाई जा रही, सारा कुछ पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से एंड दोस्तों इस वीडियो में बने रहें, और दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए। उसके बाद दोस्तों आप कैंपस प्लस में जाइए, ताकि वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से वापस घूम के ना आना। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं होंडा कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग होंडा कार इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी नाम दिया गया होंडा कार इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोस्तों। ये वाट कंपनी, कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों। तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ दोस्तों, को विस्थापित हुई थी क्या नहीं, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अगर इसका पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग नीचे चलकर क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि होंडा कार इंडिया लिमिटेड कंपनी में निकले भर्ती, होंडा कार कंपनी अपना 3 साल कैंपस प्लस में आयोजन कर रही है, जिसमें छात्रों को फिक्स टर्म और अप्रेंटिस पदों पर जो है दोस्तों छात्रों को लिया जाएगा। छात्रों के पास होंडा कार कंपनी में काम करने का सुनहरा मौका, इस मौके को हाथ से ना जाने दे, क्योंकि दोस्तों सही बताया गया है कि इस मौके को आप लोगों को हाथ से नहीं जाने देना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों पे शेयर करना है, ताकि उन दोस्तों को भी इस कैंपस प्लसवन के बारे में पता चले। तो चलिए हम लोग अब नीचे चल के पोस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पोस्ट जो लिया जाएगा फिक्स टाइम एसोसिएशन द्वारा आपको लिया जा रहा है, और अप्रेंटिस ट्रेनर जॉब द्वारा लिया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे 2 कंडीशन चलेगा दोस्तों, जो फिक्स टाइम एसोसिएटेड होता है इसमें 2 साल के लिए दोस्तों आपको लिया जाता है, और अप्रेंटिस के लिए दोस्तों आपको 1 साल के लिए लिया जाता है। 1 साल कम्प्लीट होने के बाद दोस्तों फिर आपको जो है दोस्तों इसमें फिक्स टाइम एसोसिएटेड करवाया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो दोस्तों आपका कंडीशन रहने वाला है वो यहाँ पे दिया गया है, जो 2 साल के लिए आपको लिया जाएगा वो आईटी पास आउट कैंडिडेट चाहिए क्वालिफिकेशन में, और जो आईटी ट्रेड इसमें लिया जाएगा मशीनिस्ट, पेंटर, टर्नर, वेल्डर, ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ड्राइवर एंड फाउंडर, ये सब ट्रेड लिया जाएगा दोस्तों। और फिटेड ट्रेड वालों को भी लिया जाएगा दोस्तों, जो ओनली JS जो दोस्तों ITSC की है उनको लिया जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया, फिक्स टर्म एसोसिएटेड। आप अप्रेंटिस के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो आईटी पासिंग ईयर इसमें लिया जा रहा है, यहाँ पे कोई पासिंग ईयर नहीं दिया गया दोस्तों। आप किसी भी ईयर आईटी पास किए दोस्तों, आप इस कैंपस प्लसवन में भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो इसमें एज लिमिट 19 से 25 साल रखा गया, जिनका जो 19 से 25 साल तक है दोस्तों वो इस कैंपस प्लसवन में भाग लेके जॉब पा सकते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी इसमें आपको जो दिया जाएगा वो 24,250 रुपये पर मंथ आपको दोस्तों सैलरी दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छा आपको इसमें दोस्तों सैलरी दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों मारुति सुजुकी के बाद दोस्तों होंडा कार कंपनी है ऐसी जो सैलरी आपको आईटी वालों को ज़्यादा दिया जाता है दोस्तों। मारुति सुजुकी में अभी दोस्तों दिया जा रहा है 26,000 रुपया, और इसमें दिया जा रहा है 24,250 रुपया आपको दिया जा रहा है दोस्तों।
ड्यूरेशन टाइम जो आपका रहने वाला है वो 2 साल के लिए दोस्तों आपको लिया जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों इसमें आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस एनी इंडस्ट्री वर्क, आप किसी भी कंपनी से आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि 6 महीने का आपका कार्य करने का अनुभव होना चाहिए दोस्तों, तभी आपको इसमें लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग ये कंडीशन आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद ही कैंपस प्लेसमेंट में जाइएगा, ऐसा नहीं कि फ्रेशर कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। हाँ, फ्रेशर कैंडिडेट को उसमें लिया जाएगा, आप अप्रेंटिस कर सकते हैं उसके लिए आपको लिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको नहीं लिया जाएगा। आप चलिए दोस्तों अप्रेंटिस के बारे में बात कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा जो अप्रेंटिस ट्रेनर जॉब इसके बारे में, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है, आईटी पास स्टूडेंट को दोस्तों इसमें लिया जाता है। इसमें जो ट्रेड दिया गया दोस्तों देख सकते हैं, मशीनिस्ट, पेंटर, टर्नर, वेल्डर, ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ड्राइव एंड फाउंड्री मैन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वही जो दोस्तों फिटर ट्रेड जो JSITC के हैं उनको लिया जाएगा दोस्तों, ट्रेड सेम रखा गया था दोस्तों, उसमें भी इसमें भी सेम रखा गया। इसमें पासिंग ईयर दिया हुआ है, लेकिन उसमें पासिंग ईयर दिया हुआ नहीं था दोस्तों। तो अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर पासिंग ईयर दिया गया 2019, 20, 21 और 22 पास आउट स्टूडेंट दोस्तों इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेकर दोस्तों आप इससे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 23 ईयर्स रखा गया, जिनका 18 से 23 साल तक एज है वही केवल इसमें भाग लेके दोस्तों अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। सैलरी जो आपको दिया जाएगा 13,250 रुपया दोस्तों आपको सैलरी दिया जाएगा अप्रेंटिस के टाइम। उसके साथ दोस्तों आपको जो भी फैसिलिटी होगा वो दोनों में फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, उसमें भी और इसमें भी। ड्यूरेशन टाइम आपका इसमें 1 ईयर 2 ईयर हो सकता है दोस्तों, डिपेंड ऑन ईयर वर्क, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ अप्रेंटिसशिप 1 ईयर के लिए होता है और 2 ईयर के लिए जो दोस्तों वो जो फिक्स टर्म्स एसोसिएटेड है उसमें आपको लिया जाएगा दोस्तों, पहले आपको अप्रेंटिसशिप करवाया जाएगा फिर 2 साल के लिए आपको लिया जाएगा। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें दोस्तों, जैसे कि बताया गया था मैंने ऊपर में, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जाएगा, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये सब समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा कैंपस प्लेसमेंट में, वो अपडेट रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड, जो दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, पैन कार्ड, 10th ग्रेड का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट, फोटो 2, 3, 4 कॉपी जो कॉपी होगा 4 कॉपी आप ले जाइए कम से कम कलर वाला, और इन सब डॉक्यूमेंट का दोस्तों जेरोक्स कॉपी, उसके साथ जो दोस्तों वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना आप लोगों को। और दोस्तों जो कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है वो यहाँ पे देख सकते हैं, डेट दिया गया 27 सितंबर 2022 को लगाई जा रही है, सुबह 9 बजे कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, तो आप लोग 27 सितंबर सुबह 9 बजे कहाँ जाना है यहाँ पे देख सकते हैं, वेन्यू दिया गया JS प्राइवेट आईटीआई दोस्तों जो पालापट्टी बनारसी उत्तर प्रदेश में कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों, तभी आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, तो कॉन्टैक्ट नंबर को मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से जाकर दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छे मौका दोस्तों, जाइए आप लोग इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कैंपस प्लेसमेंट के बारे में पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय दोस्तों।